हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर भारती डोरे पाटिल, आईवीएफ कंसल्टेंट, नोवा खराड़ी, पुणे से बोल रही हूँ। आज हम ओबेसिटी एंड फर्टिलिटी, ये दोनों का कनेक्शन कैसा है, ये कैसे अफेक्ट होता है एक दूसरे पे, ये सब देखेंगे। ओबेसिटी WHO ने डिफाइन किया है कि उनका, जैसे पेशेंट का BMI देख के, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं उसको, बॉडी मास इंडेक्स जब 28 से ऊपर होता है तो हम ओवरवेट बोलते हैं, 30 से ऊपर होता है तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। सी, ओबेसिटी चार तरीके से आपको अफेक्ट करती है। पहला जरिया है कि जैसे ओबीस पेशेंट, जैसे ज्यादा वजन वाले पेशेंट होते हैं, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो बराबर नहीं आती, इरेगुलर आती है। तो ये क्या क्या होता है इससे? तो ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलरिटी के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आप इरेगुलर साइकिल हो तो इरेगुलर ओव्यूलेशन होगा। मीन्स ओव्यूलेशन अगर अच्छा नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब संबंध रखोगे और कैसे प्रेगनेंसी का आउटकम होगा। तो ये पहला प्रॉब्लम होता है। दूसरा है ओबिस पेशेंट्स, जो लेडीज होती है उनको कमर पे ज्यादा फैट होता है और इसको सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। इससे क्या होता है, तो हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण आपके अंडे का क्वालिटी जो होता है, स्त्री बीज का क्वालिटी, वो अफेक्ट करता है। और स्त्री बीज अगर अच्छा नहीं तो प्रेगनेंसी होना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका गर्भ ही नहीं अच्छा तैयार होता। तीसरा है, आपको जब भी, अगर एम्ब्रियो अच्छा भी हुआ तो अंदर का एंडोमेट्रियम, जो अंदर का लेयर बोलते हैं उसको, यूट्रस के अंदर का, वो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्प्लांटेशन भी अफेक्ट होता है, क्योंकि वो आपका एंडोमेट्रियल का लेयर बहुत थिक तैयार होता है और फिर प्रेगनेंसी आउटकम उससे कम हो जाता है। और चौथा है कि अगर सपोज प्रेगनेंसी रह भी गई तो प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन लगने का बहुत बहुत संभावना होती है, और ये दोनों प्रेगनेंसी आउटकम के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। तो ये सबका अभी पर्याय क्या है, क्या करना चाहिए? तो ओबेसिटी और ओवरवेट, ये दोनों को मात करने के लिए हमारे पास दो बहुत बहुत बड़े अस्त्र हैं। एक डाइट, मीन्स आपका आहार, किस तरह का आप आहार खाते हो उसके ऊपर आपकी ओबेसिटी डिपेंड है। अगर ओबेसिटी है तो आपके आहार में संतुलन बहुत जरूरी है, उसमें फैट की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम होनी चाहिए, प्रोटीन्स बढ़ना चाहिए उसमें। तो ये आपने डाइट अगर चालू कर दिया तो क्या होता है, आपके जो फैट सेल्स रोज के रोज जाके आपके शरीर में जाके अंदर घुस रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, ये कम होते हैं। और दूसरा तरीका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम करना। अभी व्यायाम तो बहुत, जिम में जाना, ये अगर नहीं कर पाते तो भी कोई हरकत नहीं है, बट रेगुलर एक टाइप का व्यायाम आप रोज करो। जैसे चलना हो, आप सीढ़ियां उतारना चढ़ना है, कुछ भी हो, लेकिन रोज 10 मिनट का व्यायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग फैट सेल है आपके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए हम बोलते हैं ओबीस पेशेंट के लिए ओवरऑल, कंप्लीट ओवरऑल तुम्हारे वेट से 5% वेट भी आपका कम हुआ तो भी आपका प्रेगनेंसी आउटकम, फर्टिलिटी आउटकम बहुत फर्क पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, कभी कभी तो वेट भी रिडक्शन नहीं हुआ लेकिन आप इंचेस में कम हो रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हो रहा है, तो भी ये बहुत बहुत फायदेमंद रहता है। तो याद रखिए, डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज है वो आपका मेडिटेशन, मन का संतुलन रखना। अगर आप मन का संतुलन रखोगे कि दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से हार्मोन को बैलेंस करती है और आपको अच्छा प्रेगनेंसी आउटकम दे सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।